हेलो फ्रेंड्स, MKY टेक्नोलॉजी स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको ब्रेजिंग एवं सोल्डरिंग से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथ ही प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रेजिंग तापमान होता है, ऑप्शन है ए 450 डिग्री सेंटीग्रेड से कम, बी 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक, सी 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पर, डी 1900 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 450 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक पर ब्रेजिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेजिंग जोड़ होता है, ऑप्शन है ए सिल्वर सोल्डर से मजबूत होता है, बी वेल्डेड जोड़ से मजबूत होता है, सी सोल्डर जोड़ से कमज़ोर होता है। दोस्तों, यहाँ पर मिस प्रिंट हो गया है, ऑप्शन नंबर सी में होगा, सोल्डर जोड़ से कमज़ोर होता है, ऑप्शन डी है सोल्डर जोड़ से मजबूत होता है, ऑप्शन डी है सोल्डर जोड़ से मजबूत होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए सिल्वर जोड़ से मजबूत होता है। दोस्तों, ब्रेजिंग जो होती है सिल्वर जोड़ से मजबूत होती है, वेल्डेड जोड़ से कमज़ोर होती है और सोल्डर जोड़ से भी मजबूत होती है, लेकिन यहाँ पर आपका ऑप्शन ये सही है, सिल्वर जोड़ से मजबूत जोड़ होता है ब्रेजिंग जोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसिटिलीन का सामान्य कार्यकारी दाब निम्न में से अधिक नहीं होना चाहिए। दोस्तों, एसिटिलीन सिलेंडर में जो एसिटिलीन गैस भरी जाती है वो कितने दाब कितने प्रेशर पर भरी जानी चाहिए। तो ऑप्शन है एक बार, बी 1.5 बार, सी 2 बार, डी 5 बार। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी 1.5 बार। दोस्तों, एसिटिलीन सिलेंडर में जो एसिटिलीन गैस भरी जाती है वो 1.5 बार से अधिक प्रेशर पर नहीं भरनी चाहिए, नहीं तो गैस सिलेंडर के फटने का डर बना रहता है। दोस्तों, यहाँ पर जो बार है ये एक दाब की इकाई है, जैसा कि दाब को पास्कल में मापा जाता है तो पास्कल की ही बड़ी इकाई को बार कहा जाता है। एक बार बराबर 10^5 पास्कल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदु इस्पात, यहाँ पर मृदु इस्पात माइल्ड स्टील, पीतल तांबा तथा टिन प्लेट की सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त फ्लक्स है, ऑप्शन है ए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, बी जिंक क्लोराइड, सी अमोनियम क्लोराइड, डी ऑलिव ऑयल। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सोल्डरिंग करने के लिए प्रत्येक मटेरियल के लिए अलग अलग फ्लक्स की ज़रूरत होती है, इसलिए यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर बी जिंक क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढलवा लोहे पर सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त एक अच्छा फ्लक्स है। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया है कि सोल्डरिंग करने के लिए अलग अलग मटेरियल पर अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग फ्लक्स की ज़रूरत होती है, तो यहाँ पर ढलवा लोहे पर सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त एक अच्छा फ्लक्स होगा कौन सा होगा। यहाँ पर ऑप्शन है ए अमोनियम क्लोराइड, बी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सी जिंक क्लोराइड, डी रेजिन। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा ए
अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेल्टर का गलनांक होता है, स्पेल्टर का गलनांक होता है, ऑप्शन है ए 122 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 356 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 423 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 650 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा 650 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों स्पेल्टर जो होता है वो हार्ड शोल्डर के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोल्डरिंग जॉइंट होता है, ऑप्शन है बेल्ट जॉइंट से मजबूत, बी अधिक भार सहन करने वाला, सी ब्रेज्ड जॉइंट से कमज़ोर, डी कम ताप सहन करने वाला। तो दोस्तों बता दें कि शोल्डरिंग जो होती है वो हल्के हल्के कार्य के लिए की जाती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रेज्ड जॉइंट से कमज़ोर होता है शोल्डरिंग जॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जस्ता, यहाँ जस्ता जस्ते को इंग्लिश में जिंक कहा जाता है, जस्ता एवं जस्तीकृत लोहे की सोल्डरिंग के लिए अच्छा तन्य अम्लीय फ्लक्स होगा। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन हैं ए जिंक क्लोराइड, बी अमोनियम क्लोराइड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी बोरेक्स। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग के लिए एक नॉन कोरोसिव फ्लक्स है, दोस्तों सोल्डरिंग के लिए नॉन कोरोसिव फ्लक्स है, दोस्तों फ्लक्स दो प्रकार के होते हैं, कोरोसिव फ्लक्स नॉन कोरोसिव फ्लक्स। कोरोसिव फ्लक्स वो होते हैं जिनमें क्षार की मात्रा पाई जाती है, और नॉन कोरोसिव फ्लक्स वो होते हैं जिनमें क्षार की मात्रा बिल्कुल नहीं या ना के बराबर पाई जाती है। तो ऑप्शन है रेजिन, बी अमोनियम क्लोराइड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड, डी जिंक क्लोराइड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा ए रेजिन। दोस्तों रेजिन जो होता है वो नॉन कोरोसिव फ्लक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड शोल्डर पिघलता है, दोस्तों शोल्डर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सॉफ्ट शोल्डर, दूसरा होता है हार्ड शोल्डर। यहाँ पर हार्ड शोल्डर के बारे में पूछा गया है कि हार्ड शोल्डर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। ऑप्शन है ए 350 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बी 570 से 610 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सी 710 से 810 डिग्री सेंटीग्रेड तक, डी 860 से 890 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए 350 से 550 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है आपका हार्ड शोल्डर। दोस्तों आपको इसी के साथ बता दें कि सॉफ्ट शोल्डर का गलनांक होता है 250 से 350 के बीच में, सॉफ्ट शोल्डर पिघलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग के लिए उपयुक्त फ्लक्स है, दोस्तों हर मटेरियल की सोल्डरिंग करने के लिए अलग अलग फ्लक्स प्रयोग किया जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है ए जिंक क्लोराइड, बी अमोनियम क्लोराइड, सी हाइड्रोक्लोराइड, डी उपरोक्त तीनों का मिश्रण। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा डी उपरोक्त तीनों का मिश्रण प्रयोग किया जाता है स्टेनलेस स्टील की सोल्डरिंग करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, सोल्डरिंग करने के लिए सबसे पहले क्या किया जाता है, ऑप्शन है टैकिंग, बी फ्लोटिंग, सी टिनिंग, डी फ्लक्स लगाना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर सी टिनिंग। दोस्तों टिनिंग क्या होती है, सोल्डरिंग करने से पहले मटेरियल पर सोल्डर की परत को चढ़ाने की क्रिया को ही टिनिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्ट सोल्डर मिश्रण होता है, क्वेश्चन है कि सॉफ्ट सोल्डर किन किन चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है। ऑप्शन है ए, यहाँ पर तीन लिखा है,
यहाँ पर टिन होगा, टिन तथा सीसा, बी तांबा तथा सीसा, सी पीतल तथा सीसा, डी फास्फोरस तथा तांबा। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर ए, टिन तथा सीसा। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि हार्ड शोल्डर जो होता है, हार्ड शोल्डर या बोल दें हम आपको स्पेल्टर, किन किन चीज़ों का मिश्रण होता है, तो वो होता है आपका तांबा तथा जिंक का मिश्रण होता है, कॉपर प्लस जिंक को मिलाकर बनाया जाता है हार्ड शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताम्र, यहाँ पर ताम्र तांबे के लिए बोला गया है, ताम्र सोल्डरिंग आयरन के लिए उपयोग किया जाता है क्योंकि, ऑप्शन है ए इसका गलनांक उच्च होता है, बी इसमें उच्च प्रतिरोध सहने की क्षमता होती है, सी यह क्षय रोकता है, डी यह ताप का अच्छा सुचालक होता है। तो दोस्तों सोल्डरिंग के लिए तांबे की बिट का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह ताप का अच्छा सुचालक होता है, इसलिए आपका ऑप्शन डी यहाँ पर सही होता है। दोस्तों तांबा जो होता है वह ताप का बहुत ही अच्छा सुचालक होता है, इसलिए सोल्डरिंग आयरन की बिट जो होती है वो तांबे की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ड शोल्डर का गलनांक होता है, हार्ड शोल्डर का गलनांक कितना होता है, तो ऑप्शन है 200 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 300 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 400, 450 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 650 डिग्री सेंटीग्रेड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा 450 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, फ्लक्स के रूप में प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन है ए कॉपर, बी जिंक क्लोराइड, सी जिंक सल्फेट, डी जिंक क्लोराइड। तो जैसा कि आप जानते हैं कि फ्लक्स के तौर पर जिंक क्लोराइड यहाँ पर दिया गया है, उस फ्लक्स का नाम जिंक क्लोराइड, केवल जिंक क्लोराइड ही है जो यहाँ पर एक फ्लक्स है, वहाँ की ये एक भी फ्लक्स नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा डी। दोस्तों लास्ट वीडियो में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जस्ते की सीट, जस्ता, जस्ते को इंग्लिश में जिंक कहते हैं, जिंक की सीट को जो सोल्डरिंग करनी हो तो आप कौन सा फ्लक्स प्रयोग करेंगे, तो ऑप्शन है ए जिंक क्लोराइड, बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी रेजिन, डी टर्पेटाइन अम्ल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा बी हाइड्रो, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा बी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्शाई गई ब्रेजिंग विधि में निम्न संक्रियाओं द्वारा की जाती है, यहाँ पर एक चित्र में ब्रेजिंग करने की एक विधि दर्शाई गई है, यह कौन सी विधि है और इसमें कैसे पार्ट को जोड़ा जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो ऑप्शन है ए ब्रेज किए जाने वाले पार्ट को पिघली हुई धातु के रासायनिक बाथ में डुबोया जाता है, बी स्पेल्टर के छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़े जाने वाले पार्ट्स के मध्य रखकर पार्ट्स को क्लैंप करके भट्टी में रख दिया जाता है, सी इंडक्शन कॉइल द्वारा ब्रेज किए जाने वाले भागों को गर्म किया जाता है, डी ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये जो चित्र में आपको दिखाई गई है ये इंडक्शन ब्रेजिंग दिखाई गई है, इसमें क्या होता है कि पार्ट्स को जोड़ने के लिए विद्युत का प्रयोग किया जाता है, इसमें एक विद्युत की कॉइल होती है जिसमें करंट प्रवाहित किया जाता है जिसकी सहायता से पार्ट गर्म होकर आपस में जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा सी इंडक्शन कॉइल द्वारा ब्रेज किए जाने वाले भागों को गर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चित्र में कौन सी संक्रिया दर्शाई गई है,
दोस्तों यहाँ पर चित्र में एक प्रोसेस दिखाई गई है, सोल्डरिंग विधि की एक प्रोसेस दिखाई गई है। तो जैसा कि यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन आया था कि सोल्डरिंग करने से पहले क्या किया जाता है, तो सोल्डरिंग करने से पहले टिनिंग किया जाता है, टिनिंग की जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन है आपके ए टेकिंग, बी फ्लोटिंग, सी टिनिंग, डी ब्रेजिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन यहाँ पर सही है सी, ऑप्शन सी सही है, टिनिंग। दोस्तों यहाँ पर जो प्रोसेस दिखाई गई है, टिनिंग की प्रोसेस दिखाई गई है। दोस्तों टिनिंग क्या होता है कि सोल्डरिंग करने से पहले पार्ट पर सोल्डर की परत को चढ़ाना ही टिनिंग कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाए गए चित्र में एक कार्बाइड टूल पर टिप को किस विधि द्वारा लगाया गया है। दोस्तों चित्र से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। आप चित्र को बहुत ही ध्यान से देख लीजिए और ये क्वेश्चन याद कर लीजिए। इस विधि में पार्ट को जोड़ने की एक विधि दिखाई गई है और पूछा गया है कि ये कौन सी विधि के द्वारा पार्ट को जोड़ा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके ए ब्रेजिंग, बी वेल्डिंग, सी सोल्डरिंग, डी रिवेटिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा ए, यहाँ पर आपकी ब्रेजिंग विधि को दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गहनों के निर्माण में किस प्रकार की ब्रेजिंग का उपयोग करते हैं। दोस्तों गहने जो ज्वेलर्स होते हैं, जो सुनार वगैरह बनाते हैं, तो वो सोने चांदी के गहने बनाते हैं, तो उनको जोड़ने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है ए तांबा ब्रेजिंग, बी चांदी ब्रेजिंग, सी एल्युमिनियम ब्रेजिंग, डी निकिल ब्रेजिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा बी चांदी ब्रेजिंग। दोस्तों इसको इंग्लिश में सिल्वर ब्रेजिंग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ की संपूर्ण लंबाई में स्पेल्टर फैलाने के लिए किस कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है। जोड़ की संपूर्ण लंबाई में स्पेल्टर फैलाने के लिए किस कंपोनेंट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए बोरेक्स, बी ब्रेज, सी तप्त चंप, डी ब्लू लैम्प। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा सी तप्त चंप के द्वारा जोड़ की संपूर्ण लंबाई में स्पेल्टर को फैलाया जाता है। दोस्तों स्पेल्टर क्या होता है कि ये सोल्डर को पिघलाने का कार्य करता है, सोल्डर को पिघलने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र में दर्शाए गए सोल्डरिंग आयरन का उपयोग निम्न कार्य के लिए किया जाता है। दोस्तों सोल्डरिंग आयरन जो होते हैं भिन्न भिन्न आकार के होते हैं, तो यहाँ पर एक सोल्डरिंग आयरन का प्रकार दिखाया गया है, इसको आप सही से देख लीजिए। और इसका प्रयोग कहाँ पर किया जाता है, तो आपके ऑप्शन हैं ए सामान्य सोल्डरिंग, बी गहरे जोड़ की सोल्डरिंग, सी हैवी ड्यूटी सोल्डरिंग, डी विशेष प्रयोजन के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा बी गहरे जोड़ की सोल्डरिंग करने के लिए इस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन को हैचेट प्रकार का सोल्डरिंग आयरन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाई गई सोल्डरिंग बिट में वी ग्रूव क्यों दिया जाता है। दोस्तों ये एक प्रकार का टूल है और इसमें वी ग्रूव जो बनाया गया है वो किस उद्देश्य से बनाया गया है। ऑप्शन है सुंदरता के लिए, बी छोटे व्यास की ट्यूब की सोल्डरिंग करने के लिए, सी वी जोड़ की सोल्डरिंग के लिए, डी हैवी ड्यूटी सोल्डरिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा बी छोटे व्यास की ट्यूब की सोल्डरिंग करने के लिए इसमें बी ग्रूव बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दर्शाए गए चित्र में किस प्रकार के जोड़ की विधि को दर्शाया गया है? दोस्तों यहाँ पर भी एक प्रकार की पार्ट को जोड़ने की विधि को दर्शाया गया है, प्रोसेस को दिखाया गया है। तो ये कौन सी विधि है पार्ट को जोड़ने की? ऑप्शन है ए सोल्डरिंग, बी वेल्डिंग, सी ब्रेजिंग, डी रिवेटिंग। दोस्तों अगर आपने ब्रेजिंग और सोल्डरिंग चैप्टर पढ़ा होगा तो आप जानते होंगे कि ये पार्ट्स को जोड़ने की कौन सी विधि है। दोस्तों ये इसमें यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा सी ब्रेजिंग। और ये कौन सी ब्रेजिंग इसमें दिखाई गई है? तो ये फर्नेस ब्रेजिंग दिखाई गई है। फर्नेस मतलब भट्टी, भट्टी में कंपोनेंट को गर्म करके जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर ये फर्नेस ब्रेजिंग है, शॉर्टकट में यहाँ पर ब्रेजिंग ही ऑप्शन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, दर्शाए गए बिट का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? यहाँ पर एक प्रकार के बिट जो होते हैं सोल्डरिंग आयरन के आगे लगे होते हैं, तो इस प्रकार के बिट का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए कम व्यास के तार की सोल्डरिंग में, सी लिख गया है यहाँ पर, बी ऑप्शन है जिस कार्य स्थल पर सामान्य प्रकार की बिट द्वारा सोल्डरिंग करना संभव ना हो, सी गहरे जोड़ की सोल्डरिंग में, डी पतली चद्दर की सोल्डरिंग के लिए। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा बी। जिस कार्य स्थल पर सामान्य प्रकार की बिट द्वारा सोल्डरिंग करना संभव ना हो वहाँ पर इस प्रकार के सोल्डरिंग बिट का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों अभी ऊपर एक क्वेश्चन आया था कि गहरे जोड़ की सोल्डरिंग करने के लिए कौन से प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है, वो मैंने आपको ऊपर दिखाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नल की फिटिंग जोड़ बनाने के लिए निम्न जोड़ बनाया जाता है? दोस्तों नल की फिटिंग के लिए अगर आपको कहीं पर भी जॉइंट बनाना है तो आप किस प्रकार की विधि का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन है ए वेल्डिंग, बी रिवेटिंग, सी सोल्डरिंग, डी ब्रेजिंग। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी ब्रेजिंग। दोस्तों नल की फिटिंग करते समय अगर आपको कहीं पर भी जॉइंट लगाना है पाइप में तो वो आप ब्रेजिंग विधि के द्वारा जॉइंट लगाइए जिससे कि वो मजबूत रहेगा या मजबूत रहता है। दोस्तों इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि जो साइकिल में भी जॉइंट लगाए जाते हैं वो भी ब्रेजिंग विधि के द्वारा ही लगाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाए गए चित्र में एक्स से लेवल भाग को पहचानिए। दोस्तों यहाँ पर ये एक विधि दिखाई गई है पार्ट्स को जोड़ने की और ये इस टाइप का क्वेश्चन ऊपर आया था। तो ये कौन सी विधि है? ब्रेजिंग विधि है, लेकिन यहाँ पर इसमें ऑप्शन दिए हैं फ्लक्स, बी हार्ड शोल्डर, सी टूल टिप, डी सैंक। तो जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि ये ब्रेजिंग विधि है, तो ब्रेजिंग विधि में कौन से शोल्डर का प्रयोग किया जाता है? हार्ड शोल्डर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है उसमें ऑप्शन नहीं है, वो डायरेक्टली बनाया है। शोल्डर का गलनांक होता है, अगर आपसे कोई पूछे कि शोल्डर का गलनांक कितना होता है तो यहाँ पर आपका आंसर होगा 205 डिग्री सेंटीग्रेड। शोल्डर का मेल्टिंग पॉइंट 205 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, शोल्डर 205 डिग्री सेंटीग्रेड पर पिघलता है। अगला क्वेश्चन है, ब्रेजिंग के लिए कौन से फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? आंसर होगा आपका सिल्वर शोल्डर और स्पेल्टर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों शोल्डरिंग के लिए फ्लक्स का प्रयोग किया जा फ्लक्स के रूप में नौसादर का प्रयोग किया जाता है और ब्रेजिंग करने के लिए फ्लक्स के रूप में बोरेक्स को हिंदी में सुहागा बोलते हैं। तो ब्रेजिंग करने के लिए केवल एकमात्र ही फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है और वो है सुहागा, या इंग्लिश में बोलें तो बोरेक्स, जबकि सोल्डरिंग करने के लिए अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है।
और अगर ऐसे ऑप्शनली पूछे कि सोल्डरिंग करने के लिए कौन सा फ्लक्स प्रयोग किया जाता है, तो अधिकतर नौसादर का प्रयोग किया जाता है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन, टिन का गलनांक कितना होता है? आपको कमेंट बॉक्स में उत्तर बताना है इसका, टिन का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।